प्रश्न बड़ा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या कर्नाटक की राह पर मध्य प्रदेश भी जाने वाला है, क्या कर्नाटक की राह पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों गौर कीजिए इस तारीख पर, 30 जून। मध्य प्रदेश में इस वक्त जिस तरह का सियासी घटनाक्रम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय नेता के नाम पर शिवराज सिंह चौहान का जो वजूद है, उनकी विश्वसनीयता बाकी तमाम नेताओं पर बहुत ज्यादा है और शिवराज सिंह चौहान का अपना ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पूरी लाइन एंड लेंथ के साथ खेल रही है। दोस्तों कहने का क्या अर्थ है, कहने का अर्थ यह है कि इस वक्त कांग्रेस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, मगर बीजेपी की दिक्कत वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि पार्टी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन खेमों में बढ़ गई है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों दैनिक भास्कर की एक खबर जो बतला रही है कि पार्टी के अंदर इस वक्त किस तरह का गैंग वॉर, किस तरह की जूतम पैजार चल रही है। दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज पर खबर देखिए, मुख्यमंत्री के सामने मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद राजपूत बोले, भूपेंद्र को समझाओ वरना हम और विधायक इस्तीफा दे देंगे। कौन है भूपेंद्र सिंह, कौन है गोपाल भार्गव, जिन्हें मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में मालूम नहीं है, इसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यह शख्स भी बढ़ा रहा है, केंद्र में मंत्री और कांग्रेस से बीजेपी में अपने निजी स्वार्थ के चलते छलांग मारने वाले, कांग्रेस की पार्टी को तोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में एक सभा की। आप बताइए दोस्तों, गुना में अगर उन्होंने एक सभा की तो क्या गुना के सांसद को नहीं बुलाया जाना चाहिए था। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं गुना के सांसद, जैसा कि आप जानते हैं केपी यादव। कौन केपी यादव? केपी यादव वो शख्स हैं दोस्तों जो बहुत पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्टाफ हुआ करते थे, यानी कि उनके नीचे काम करते थे। और इस व्यक्ति ने 2019 के लोकसभा चुनावों में राजा जी को, महाराजा जी को पटखनी दी थी। महाराजा जी को उस पटखनी का दर्द अभी भी है, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी गुना जाते हैं, केपी यादव वो नेता जो जमीन से उठा नेता है, उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन्होंने हाल ही में एक सभा की और उस सभा के अंदर एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने कहा कि जो 2019 में हुआ, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। केपी यादव कह रहे हैं अगर इतनी बड़ी गलती हो गई तो वापस चले जाओ कांग्रेस, किसने रोका है। सुनिए केपी यादव क्या कह रहे हैं, और उनका ये कहना बतला रहा है कि पार्टी किस तरह से बुरी तरह से दोफाड़ हुई जा रही है। सुनिए, भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहां सांसद है, और भरे मन से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं, तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मन से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था, और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते, या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ इनकी बात में दम है।
अब एक बार फिर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दैनिक भास्कर की इस फ्रंट पेज न्यूज की तरफ। सीएम के सामने मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद राजपूत बोले, भूपेंद्र को समझाओ वरना हम और विधायक इस्तीफा दे देंगे। खबर क्या है दोस्तों, मैं बहुत ही आसान लफ्जों में आपको बतलाना चाहता हूं। दैनिक भास्कर की खबर है, इनमें पात्र भी है, और दैनिक भास्कर की यह खबर कह रही कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक दो नहीं बल्कि तीन तीन खेमों में बढ़ गई है। खबर आपके स्क्रीन पे, चुनाव से पहले बीजेपी में अंतर कलह की कथा, मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ अचानक नहीं फूटा है विधायकों का गुस्सा। गुस्सा क्यों फूटा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मंत्री भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के करीबी बताए जाते हैं, करीबी हैं, और इसी के चलते प्रशासन पर उनका पूरा कब्जा है। अब प्रशासन पर कब्जा है तो बाकी जो नेता हैं भाजपा के उनकी नहीं सुनी जाती। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ऊपर से लेकर जमीनी स्तर तक के कैडर में पैदा हुआ असंतोष बीजेपी के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और बीजेपी तीन खेमों में बट गई है। वो तीन खेमे कौन कौन से दोस्तों? सागर में कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ स्थानीय विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। भूपेंद्र सिंह को, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। खबर क्या कहती है, कटनी के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह ने भी पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। इससे पहले पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू और सत्यनारायण सत्तन बगावती तेवर दिखा चुके हैं। साफ है बीजेपी में नाराज नेताओं की संख्या बढ़ रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री सरकार पर सीधा हमला बोल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूख देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब जाहिर सी बात है, कमलनाथ उनसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार थे, मुख्यमंत्री वही बने। पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया, अब ये राज्यसभा में हैं, मंत्री पद भी हैं, मगर भूख जो है वो मिटने का नाम नहीं ले रही है। उनके जो समर्थक हैं वो शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमला बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह बनाम गोपाल भार्गव, ये युद्ध छिड़ा हुआ है दोस्तों। खबर क्या कहती है, जैसे कि मैंने कहा, प्रशासन इस वक्त भूपेंद्र सिंह के अलावा किसी की नहीं सुनती। प्रशासन भूपेंद्र सिंह के अलावा किसी नेता को तवज्जो नहीं देता। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि प्रशासन भूपेंद्र सिंह के अलावा अन्य नेताओं को तवज्जो नहीं देता है। कलेक्टर खुरई एसडीएम कार्यालय में भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में जन सुनवाई करते हैं, जबकि गोपाल भार्गव ने 1100 कन्याओं का विवाह समारोह आयोजित किया लेकिन कलेक्टर नहीं पहुंचे। इस सवाल पर भार्गव के समर्थक कहते हैं कि रहली गढ़ा कोटा में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो प्रशासन के भरोसे नहीं होते, अलबत्ता उनके आने से व्यवधान जरूर पैदा होता है, लिहाजा गोपाल भार्गव की टीम मोर्चा संभाल लेती है। कितने ही खेमों में बटी हुई है इस वक्त। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो अहंकार है वो सातवें आसमान पर चढ़ रहा है। ये बयान याद है कि नहीं, जब कर्नाटक के नतीजे आए थे तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, ये कर्नाटक फर्नाटक क्या होता है, मध्य प्रदेश में अभी मेरे तर्कश में अभी बहुत से तीर हैं और ये जो तीर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाएगी। मगर शिवराज सिंह चौहान एक सवाल का जवाब दें, हमने त्रिपुरा में देखा, हमने उत्तराखंड में देखा कि किस तरह से तीन तीन बार मुख्यमंत्री बदले गए थे उत्तराखंड में, त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्री बदल दिया गया और उसका असर चुनावों पे दिखा। दोबारा सत्ता में आई बीजेपी, क्या शिवराज सिंह चौहान ये दावा कर सकते हैं कि वो अगले चुनावों में, यानी कि जो साल के अंत में होने वाले हैं, वो चेहरे के तौर पर जाएंगे? क्योंकि इस वक्त दिक्कत क्या है दोस्तों, दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई है कि राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, स्थानीय तौर पर नेता चाहिए। और अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के पास कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और न जाने कितने ऐसे स्थानीय दिग्गज हैं जो बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास यकीनन शिवराज सिंह चौहान है जिनकी मामा वाली छवि है, मगर मैं आपको बतला चुका हूं कि मामा ने जनता को खूब मामू बताया, अब उनका खुद का ग्राफ नीचे गिर रहा है।
ऐसे में हो क्या रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार सामने उभर कर आ रहे हैं, नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल। इस बात की सुबुगाहट है कि ये दो चेहरे रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने उभर कर आ सकते हैं, मगर जैसे ये होगा पार्टी में अंतर्कलह और बढ़ जाने वाली है। तो ये हाल तो मध्य प्रदेश का है दोस्तों, जहां जूतम पैजार जारी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वसुंधरा राजे और केंद्रीय आलाकमान में जो है जबरदस्त रस्साकशी चल रही है, जबरदस्त तनाव है। यह भी कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में सांठगांठ है। इसी मुद्दे को सचिन पायलट ने उठाया था और उन्होंने राज्य का भ्रमण किया था कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए। अब दिक्कत क्या है बीजेपी के सामने? बीजेपी वहां अन्य चेहरों में उम्मीद देख रही है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, उन्हें चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए, मगर वसुंधरा राजे सिंधिया की जबरदस्त राजनीतिक पैठ है, इसीलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसा कि कर्नाटक में येदुरप्पा को नजरअंदाज नहीं किया गया था। कहने का क्या अर्थ है कि वसुंधरा को भी मनाया जाएगा, मगर दूसरी तरफ एक अन्य चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर सकती है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया तो खुद को मुख्यमंत्री के पद पर देख ही रही हैं, इसके अलावा कई अन्य चेहरे हैं, मसलन सतीश पुनिया, गौर किया जाए दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष हैं और सतीश पुनिया खुद को दावेदार मानते हैं। इसके अलावा कई अन्य चेहरे एक एक करके आपके स्क्रीन पर, नवभारत टाइम्स ने यह रिपोर्ट की है। ओम प्रकाश माथुर पहला चेहरा यह है। कौन है ओम प्रकाश माथुर? ओम प्रकाश माथुर राजस्थान के पाली के जिले के रहने वाले हैं और राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद हैं। अभी ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले ओम प्रकाश माथुर उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रभारी रह चुके हैं। अब दूसरा चेहरा दोस्तों, राजेंद्र राठौर। कौन है राजेंद्र राठौर? राजेंद्र राठौर राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 2013 की वसुंधरा राजे सरकार में राजेंद्र राठौर ग्रामीण विकास पंचायती राज्य मंत्री रह चुके हैं। चुरू विधानसभा सीट से 5 बार जीत चुके हैं। अब अगला बड़ा और दिग्गज नाम गजेंद्र सिंह शेखावत, और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत ये वो चेहरा है जो दावेदारी में वसुंधरा राजे सिंधिया से कम नहीं है, दावेदारी में इनका नाम भी है। और अंत में सतीश पुनिया, जिसका मैं जिक्र आपके सामने कर चुका हूं, राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष। यहां पर भी 4-4 दावेदार हैं दोस्तों, 5 दावेदार वसुंधरा को मिलाकर, और वसुंधरा और केंद्रीय आलाकमान के बीच में संघर्ष लगातार जारी है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा का सूपड़ा ही साफ है, वह स्थानीय तौर पर एक भी चेहरा नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो चुनाव में उतर सके, ना रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, ना बृजभुवन अग्रवाल, क्योंकि उनके सामने हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वो भूपेश बघेल जो एक बहुत ही कद्दावर मजबूत स्थानीय नेता के तौर पर उभरे हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी का संदेश क्या है कि अगर हम तीनों राज्यों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के मुताबिक कहीं ज्यादा अंतर्कलह है। राजस्थान में यकीनन गहलोत बनाम सचिन पायलट का द्वंद युद्ध चल रहा है और इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। सचिन पायलट को इसलिए आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। इसका असर क्या होता है? समानांतर तौर पर अशोक गहलोत अपनी सामाजिक सुधार की जो नीतियां ला रहे हैं, स्कीम्स ला रहे हैं, उसका भी जमीन पर असर पड़ रहा है। मगर उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तौर पर जिस तरह से राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, और यह है बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि। मगर दिक्कत यहां पर क्या है? दिक्कत यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री की छवि जो है वो कर्नाटक के चुनावों में हार के बाद राजनीतिक तौर पर धूमिल हुई है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं मीडिया के जो गुल्लू कालू हैं, पापा की परियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हुई चुनावी रैली के बाद अपने पापा जी को लगातार जो है पंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं।
मगर बीजेपी को भी पता होना चाहिए कि मुद्दा या चुनाव सिर्फ एक चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता। आपको चाहिए जमीनी मुद्दे, आपको चाहिए जमीनी तौर पर विश्वसनीय नेता, और यह है पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती। तो एक बार फिर वही सवाल आपके सामने, क्या कर्नाटक की राह पर मध्य प्रदेश चल पड़ा है? क्या कर्नाटक की राह पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो सकता है? आपने गौर किया होगा कि मैंने मध्य प्रदेश को अलग रखा है और राजस्थान को अलग रखा है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस जो है वो पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में जो है सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। यह बात अलग है कि सचिन पायलट को पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल नहीं है, मुश्किल से आधा दर्जन विधायक उनके साथ हैं। तो यहां यह नहीं कहा जा सकता पार्टी दो खेमों में बटी हुई है, मगर सचिन पायलट मुश्किल जरूर पैदा कर रहे हैं। तो चुनौती जरूर है, मगर जैसे मैंने कहा कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच पांच दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के तौर पर, और वसुंधरा राजे सिंधिया पहले से ही सिरदर्द का सबब बनी हुई हैं। क्या होगा? कुछ ही महीने रह गए हैं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। याद कीजिए, आप में से कई लोग तो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं थी कि कर्नाटक में बीजेपी हार सकती थी, क्योंकि बीजेपी ने पैसा लगाया, साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ा, सांप्रदायिक जहर घोला, इस सब का कोई असर नहीं पड़ा। और अंत में प्रधानमंत्री 10 दिन कर्नाटक में थे, कोई असर नहीं पड़ा, बुरी तरह से धूल चाटना पड़ा। क्या यही हश्र मध्य प्रदेश का होगा, राजस्थान का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा? इंतजार कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।